कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े जाहिर कर मोदी सरकार की पोल खोलते हैं। पिछले दिनों सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस सांसद ने जमकर हल्ला बोला था और इस बात से बीजेपी के नेता इस कदर बेचैन हुए थे कि राहुल पर झूठे आरोपों की बौछार करने लगे। लेकिन मंत्री तो मंत्री, यहां तो बीजेपी के विधायक भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाकर उन्हें बदनाम करने में जुटे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थकों ने झूठा दावा किया है और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ये तक कहा गया है कि राहुल ने चीनों की बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी से जवाब मांगा है। तो आइए सबसे पहले उसी तस्वीर को देख लेते हैं जिसके सहारे रोजगार के मुद्दे पर राहुल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। झूठे बयान के सहारे उनकी किरकिरी की जा रही है। एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक बात समझाओ कि ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं, ये चील यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है और इसका कारण भाजपा है। ये वीडियो सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष सांघवी ने ट्वीट किया है। 33 सेकंड के इस वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि कोई तो रोक लो इसको। अब राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कई यूजर्स ट्विटर पर, फेसबुक पर और ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस बीजेपी विधायक की बात पर विश्वास कर राहुल के वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, असल में वो झूठ है, क्योंकि कांग्रेस सांसद ने कभी भी ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि राहुल गांधी के भाषण का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो 5 फरवरी को नई दिल्ली में किए गए चुनाव प्रचार का है। राहुल गांधी ने इस भाषण में ये कहा था कि कुछ लोगों ने भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को अशांति के पीछे का कारण बताया है। इसके बाद वो जोर देकर ये कहते हैं कि देश के युवाओं के पास मार्गदर्शन नहीं है और रोजगार की भी कमी है। और इसके बाद वो थोड़ी देर शांत होने के बाद कहते हैं कि अच्छा भैया, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ और ये समझाओ कि ये जो चील है ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। उनके इसी चील वाले बयान को रोजगार के साथ जोड़ा गया है और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमने जब राहुल गांधी के प्रचार वाला पूरा बयान सुना तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये साफ हो गया कि जिस दावे के साथ बीजेपी विधायक ने राहुल का मजाक उड़ाने की कोशिश की है वो झूठा है। वैसे जहां एक तरफ बीजेपी विधायक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की भी जमकर किरकिरी की जा रही है। उनके भी एक वीडियो को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की हार पर चुटकी लेते हुए कई फेसबुक यूजर्स जैसे जैद इमाम और मोहम्मद एयाज खान ने मनोज तिवारी का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मनोज तिवारी को भावुक होते हुए देखा जा सकता है। फेसबुक यूजर मोहम्मद एयाज खान ने कैप्शन में लिखा है कि एग्जिट पोल पे हंसी आती है, अब रोना आ रहा है। इस दावे के साथ मनोज तिवारी पर तंज कसा गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी नेता से हार का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है असल में वो असत्य है, जबकि सत्य ये है कि मनोज तिवारी रोए जरूर थे लेकिन मसला दिल्ली चुनाव का नहीं बल्कि पारिवारिक था। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि फेसबुक यूजर्स जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें मनोज तिवारी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और रिपोर्टर ने उनसे परिवार से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। रिपोर्टर ने पूछा था कि उनका बचपन कैसे बीता। अपनी कहानी को बताते हुए ही मनोज तिवारी की आंखें भर आईं और वो रोने लगे। उनके इस वीडियो को टीवी चैनल ने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जिसे दिल्ली चुनाव से जोड़कर मनोज तिवारी के दर्द को बयां किया जा रहा है। जैसे बीजेपी नेता राहुल के खिलाफ झूठ फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही अब लोगों ने भी बीजेपी के साथ करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको इस झूठ के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। डीबी लाइव हमेशा तथ्य के साथ आप तक सत्य पहुंचाता रहेगा और सच से रूबरू कराता रहेगा। नमस्कार।